मेरे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे, आप सब लोगों की दुआ से। तो गुड मॉर्निंग, आप सब बन गई हैं, इसमें कॉफ़ी है, चाय बन गई और यहाँ पर हो रही है रोटी फ्राई सना के लिए। पराठा और टिफ़िन भी पैक हो गया, इसमें मटकी है, रात की बार टिफिन भी है, यहाँ पर पैक करके रखी है। अभी तो लग जाए चाय, एक जन की चाय है, एक जन की कॉफ़ी है। आराम से ले, आराम से ले जाए। तो सुबह सुबह का टाइम है और क्या बोलते हैं, आज हम लोग को थोड़ा लेट हो गया उठने में। मैंने आज एक ही अलार्म लगाई थी सिर्फ 6:05 का, और उसके बाद मैं वापस से सुबह सो गई। मैं ये समझी कि मैं डेली रोज़ 2 अलार्म लगाती हूँ ना, एक 6:05 का लगा देती पहले, एक 6:10 का लगा देती, लेकिन अब है तो बजाना मारा। और अभी जो है ना, अभी मैंने लगाई थी 5:50 का और 6:05 का, तो मैंने 5:50 का बंद कर दी थी, 6:05 का ही चालू था, सिर्फ 6:05 वाला ही सिर्फ चालू था। इसके लिए मेरे को ऐसा लगा कि सेकंड अलार्म बजेगा तो फिर मैं उठूँगी, थोड़ा सो जाती हूँ और बच्चे लोग को थोड़ा सोने देती हूँ और 5-10 मिनट, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। अरे माँ जल्दी पियो, थोड़ा पंखा चालू करूँ, हाँ लेट हो जाएगा बेटे, फिर बाल बनाने का थोड़ा चालू कर देना स्लो पे, ये पंखा ऐसा मत बंद किया करो वरना ख़राब हो जाएंगे। स्लो पे चालू कर ही थोड़ा पंखा, मैंने दूसरा चम्मच लाओ क्या, बड़ा थोड़ा दिया। हाँ तो एक कॉफ़ी और एक चाय, क्या बोल। कब से तैयार हो रही है आलिया? तैयार भी हो गया आलिया, निकल भी जा इसके लिए पानी की बोतल डाली ना माँ। बैग इतना वजन कैसे हो गया माँ, इतना सब है लग जाने का। अरे नहीं, ये जो है ना, ये थोड़ा वो हो गया, बहुत टाइट हो गया, ये उससे थोड़ी और रिलीफ आई। इतनी जल्दी क्यों बुलाया, बोलना पापा को लिफ्ट को मत देख। लड़की है ना, फटाफट करती नहीं, बहुत आराम आराम से, स्लो 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 है इसका। आज पीटी का दिन है, पीटी आज है, पीटी है ना सना। और हाँ, एक तो कमेंट आए थे कल के व्लॉग में मुझे कि बच्चे लोग को मतलब ऐसे मत पहनाओ कपड़े, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो कुछ लोग हैं उनको जो है थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं स्कूल में, एक मैम फ्रेंड में आ जाती हूँ, तो बच्चे जो हैं हमारे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने जाते हैं, हमारे ही नहीं, यहाँ पर कई बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो यहाँ पर सिर्फ यही बच्चे नहीं, कई बच्चे जो बहुत बच्चे, सारे बच्चे मैं बोलूँगी, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम रहने दो चाहे म्यूनसिपैलिटी रहने दो, उनके कॉस्ट्यूम जो है ऐसे ही रहते हैं। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, नीचे से सॉक्स होते हैं यहाँ तक, वो फ्रॉक है, मुझे इसमें कोई गलत नहीं नज़र आता। और बच्चे अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हैं, प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट मत करो कि बच्चियाँ अभी बड़ी हो रही है, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं हो रही यार, मतलब हमारी नज़रिया कैसा है, थोड़ा सा सोच बदलो, नज़रिए को बदलो, ठीक है। हाँ जाओ, देर हो रही थी ये लोग को, तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा समझो बात को कि बच्चे जो है इतनी जल्दी भी बहुत बड़े नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े हो रहे, हमें लगता है कि अरे बड़ी हो रही है, बड़ी दिख रही है, बड़ी दिखने से बड़े नहीं हो जाते खाली, और वो इतने भी बड़े नहीं है बच्चे, अभी सिर्फ 10 साल के हैं, आलिया 10 साल की है, सना 9 साल की है सिर्फ, अभी इतने भी बड़े नहीं है। तो प्लीज़ उनको ऐसे जज मत करो वीडियो में देख के या कुछ, और थोड़ा नज़रिया चेंज करो अपना खुद का, थोड़ा सोचो। अगर हम अपने बेटियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, हम उनको ऐसे जज करेंगे तो फिर कैसे चलेगा।
कपड़े मैटर नहीं करते हैं इंसान को, जो बोलते हैं ना संस्कार बोलते हैं ना, जो हम बच्चों को सिखाते हैं एजुकेशन मतलब चीज़ें, वो मैटर करती है। कपड़े तो हम अच्छे पहनाएंगे ही बच्चों को, पहनाते ही हैं और पहनते ही हैं बच्चे। स्कूल का ड्रेस है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल का ड्रेस है। हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ये नहीं पहनाएंगे, हम दूसरा पहनाएंगे, तो ये सब नहीं चलता है स्कूल में, ऐसा है। तो चलो बस यही बोलना चाहती थी मैं, और कुछ नहीं। तो हम लोग ये जो हमारे बच्चों को आगे भी बढ़ा सकते हैं और उन्हें पीछे भी खींच सकते हैं। हाँ, अगर उर्दू मीडियम में डालूंगी तो उर्दू मीडियम में बस कपड़े वो रहेंगे, शलवार कमीज़ रहेगा, बट उर्दू मीडियम में मुझे नहीं पढ़ाना है। और मेरे बच्चे जो है अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उसी मीडियम से पढ़ेंगे आगे भी, या फिर अगर उससे नहीं पढ़े तो मराठी मीडियम से पढ़ेंगे, लेकिन उर्दू से मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि वहाँ से कुछ ज़्यादा जॉब वगैरह की फैसिलिटी वगैरह नहीं होती है। इसलिए मतलब मेरी सोच ऐसी है, तो मैं ऐसी करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि, और मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा भी है, ज़्यादातर आप लोग देखना कि ज़्यादातर आजकल लोग तो इंग्लिश मीडियम से ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे, या तो फिर कई लोग ऐसे हैं कि मराठी मीडियम से पढ़ा रहे, उर्दू मीडियम से कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा है अभी। हाँ, हम कुरान शरीफ सिखा रहे हैं उनको, कुरान कायदा वो पढ़ने जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा छुट्टी है, दिवाली के बाद वो लोग का कंटिन्यू करूँगी मैं, क्योंकि वापस अभी छुट्टी हो जाएंगी दिवाली में, इसलिए, क्योंकि अभी जब ये लोग गाँव आए तो शायद ये लोग की छुट्टी हो गई थी। तो चलो बंद कर देती हूँ, और अलीना जो है अंदर सो रही है किचन में। सुबह जो है ना मॉर्निंग में ऐसा होता है ना कि उठने का मन नहीं करता है, और फिर बाद में ऐसा होता है कि वापस सो जाओ, लेकिन फिर टाइम हो जाता है तो फिर नींद नहीं आती है बाद में। अलीना पापा यहाँ सो रही है, अलीना सो गई थी, उसके पापा के साथ रात में इधर ही सो गई थी, और हम तीनों इधर सो गए थे। कभी किधर कोई किधर सो जाता है। चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर के बाद। हो गए हैं दोपहर प्रॉपर नहीं, मतलब 11 बज गए, और अभी हो रही है अलीना की टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोची कि चलो मैं खिचड़ी ही बना देती हूँ, जैसे मैंने गांव में बनाई थी, पर वहाँ पर कुकर में बनाई थी, यहाँ पर जो है मैं कढ़ाई में बनाऊँगी, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ कढ़ाई में, यहाँ पर कढ़ाई में बनाती हूँ, वहाँ पर कुकर में बनाई थी। कुकर में भी बहुत अच्छी बनी थी, बढ़िया बनी थी। तो चलो यहाँ पर देखिए, मैंने मसूर की दाल चावल मिला के रख दी, आलू कतर के रख दिए इसमें, हरा धनिया, कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची, और सेंग वहाँ पर मैंने डाली थी, पर यहाँ पर ही डालूंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते सेंग। तो सबसे पहले मैं जो है कांदा डाल दी तेल में, जैसे वहाँ बनाई थी सेंग वैसे प्रोसीजर है, और प्लस क्या है मेरे पास अभी फिलहाल, और मुझे ना छोटा ट्राईपॉड लाना पड़ेगा यहाँ के लिए, जैसे वहाँ के लिए खाना वैसे यहाँ के लिए एक लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का वहाँ से रखा है मैंने, क्योंकि वहाँ पर भी लगता है ना जाऊँगी तो फिर लगेगा। अभी अरबाज़ ने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है, तो अरबाज़ को भी लगेगा, क्योंकि अम्मी नहीं मंगाए थे वो, इसलिए मैंने वहीं पर छोड़ के आई हूँ, फिर बार बार लाओ ले जाओ नहीं कर सकते ना। तो चलो फिर मैं बना लेती हूँ कुछ भी ऐसे ही बिना रेसिपी के आप लोगों को, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा काम से जा रही हूँ मैं, मेरा बैंक का ही प्रॉब्लम जैसे वैसे बोली थी आप लोगों को, तो उसी के सिलसिले में थोड़ा जा रही हूँ बाहर, और बैंक में जा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आलिया सना को जो है इन्होंने लेकर आए स्कूल से, अलीना को छोड़ दिए स्कूल, और बच्चे जो है घर पे हैं, उन लोगों को बोली खाना वाना खा लो जब तक मेरे आने तक, मैं अभी आती हूँ। धूप इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी के दिन आ गए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठंडी के दिन आने वाले नहीं चाहिए, ठंडी आ गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ गई, गर्मी भी इतनी हो रही है और धूप भी वैसी ही है, ऊपर भी घर में भी इतनी गर्मी हो रही, दो दो पंखे चालू होने के बाद भी गर्मी होती है, और थोड़ा सा अगर खाली छालों मारने के टाइम पे पंखा बंद करो ना, पसीना पसीना हो जाता है। तो बस मेरे शूज़ की तो मैंने वाट लगा दी, ओके क्या बताऊँ अभी आप लोगों को, इनको बोली थी मैंने तुम बताओ मुझे, मेरे को नहीं मालूम कैसे धोने का, लेकिन मैंने इनका देख के ही वैसा करी, ये करते थे ऐसे गर्म पानी में शूज़ डालते थे, उसके ऊपर कुछ वजन रख देते थे, तो मैंने भी वैसी करी, मगर मेरा हो गया नुकसान, खराब हो गया वैसी पेंटिंग डाली। क्या बोलते, मैंने जो है देख लिया, अभी बात बात कर ली बैंक से, और ये जो है गाड़ी पार्किंग करने के लिए गए थे उधर पे, तो अभी आ रहे थे, मुझे दिखे हैं आते हुए, पर पता नहीं किधर गुल हो गए, ऐसे लगा कहाँ गए मालूम नहीं, कहीं बाहर तो नहीं चले गए, तो देखते हैं उधर जाके आगे चले गए शायद से मेरे ख्याल से, और मैं सोची कि इधर ही है वो उधर, क्या बोलते, थैंक यू खाने के लिए खड़ा हो ना, बोले चाय के लिए खड़ा हो, तो हम लोग अभी निकले यहाँ से बैंक से, तो जैसे कि मैंने बोली मैं उनको उधर ही ढूंढ रही किधर है, और वो यहाँ पर आके खड़े हो गए थे पहले, ऑलरेडी तो खाएंगे अभी हम लोग, नहीं थोड़ा बहुत बना के बाद खा रहे दो नहीं, नहीं मुझे सिर्फ ये चाहिए मैं दुआड़ा, दोनों
मेरे को चारों वड़ा ही चाहिए। मैं तो भाई मेहंदी वड़ा ही खाऊंगी पूरा। हाँ ठीक है, यहाँ के मेहंदी वड़े की बात ही कुछ अलग होती है। तो आ गया मेरा भी, गर्म है बहुत ना, बहुत गर्म है। गर्मी में गरम गरम। चलो इंजॉय करते हैं पहले मेहंदी वड़ा, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। आज हम लोग हैं और निकले अभी घर के लिए, तो चलो चलते हैं घर पे। अभी मुझे काम था, देखो संतोष नगर के लिए जाऊँगी, फिर वहाँ से सीधा घर पे। चलिए आप लोग। पर हो गई रात, और रात क्या बोलते, मैं सुबह से इतना ज़्यादा थक गई, थोड़ा सा काम से बाहर गई थी, उसी काम के सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा भटकी, इतना भटकी दोपहर में, इतना भटकी कि मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाई। भटकने वाला नहीं, मतलब जो काम से मैं गई थी, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती उस बारे में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी जो है मैंने खाना वाना सब बना ली, मैंने बनाई ज्वार की रोटी, मसूर की दाल, और मैंने दोपहर में जो खिचड़ी बनाई थी वो है, और आलू भिंडी है गोश्मी की बनी हुई, तो क्या बोलते हैं उसी को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा है थोड़ी, तो उसी के लिए मैंने क्या करी थोड़ा सा उसके साथ में दाल भी बना ली। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ज्वारी की रोटी है, ये ऊपर वाली थोड़ी सी जल गई, बट नीचे वाली सब अच्छी अच्छी आई है, थोड़ा सा ये देखो मतलब सब अच्छे से सीखी गई है। मैंने तीन चार रोटी डाल दी ज्वारी की, और ज्वारी की रोटी खाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो टोकरी मुझे चेंज करना है, ठीक है, आप लोग बोलोगे कि टोकरी में नहीं रखना चाहिए, तो टोकरी में जल्दी चेंज करूंगी। और यहाँ पर हमारी वैसी खुली खुली वाली मसूर की दाल है, उस दिन इतनी नहीं बनी थी खास, आज आप लोग देख सकते हैं कैसी बनी है, आप लोग पूरी डिटेल में देख सकते हैं, उस दिन नहीं बनी थी ऐसा। मैं जब रेसिपी बता रही थी तब भी वो क्या हो गया था, थोड़ी दाल ज़्यादा होने की वजह से ऐसा थोड़ा सा हो गया था, पर अभी देखिए एकदम खिली खिली बनी है, एकदम अच्छी। और यहाँ पर हमारी खिचड़ी है ये वाली कढ़ाई में, और ये बच्चे लोग खाएंगे, गर्म करके दूंगी। साना कपड़े चेंज कर। है ना, मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके बताना। आलिया जो है ना, क्या नहीं निकल रहा, हाथ ऊपर कर निकलेगा वो। तो आलिया जो है अभी होमवर्क करने लगी है उसका, पढ़ाई में थोड़ी बिजी है, और पंखा बंद करी मैंने क्योंकि आवाज़ जो है ना बराबर में। यहाँ पे एंड करते, कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस।